उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत समेत कांग्रेस की पदयात्रा पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए दो विधानसभा से हार का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती है। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत चर्चा में रहने के लिए कभी चकोतरा पार्टी तो कभी आम पार्टी तो कभी खीरा पार्टी करते रहते हैं, लेकिन जनता हरीश रावत और कांग्रेस के चरित्र को अच्छी तरीके से जानती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे तो हरीश रावत जी पर तरस भी आता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो दो जगह से हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो, जो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, जो सिर्फ मात्र चर्चाओं माने के लिए कभी चकोतरा पार्टी करते हैं, कभी काफल पार्टी करते हैं, कभी खीरा पार्टी करते हैं कि मीडिया में आ जाएं, लेकिन जनता उनके चरित्र को जानती है, कांग्रेस के चरित्र को जानती है, उनके बहकाम आने वाली नहीं है और आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का।